हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर, और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो भी मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 14 इंचेस। यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस लेनी है 8 इंचेस। तो यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। तो आपका जो भी चेस्ट पार्ट आता है उसे डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। अब यहाँ से हमें 2 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है, और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए। तो यहाँ पर आपको हल्की सी गोलाई देनी है इस तरह से। तो इतनी सी मार्किंग थी, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब देखिए, प्लेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे फोल्डेड एरिया से हमें 5 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस तरफ भी हमें 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है, और हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। ये हो गई हमारी बॉटम पार्ट की पहली लेयर। यहाँ से भी हमें 7 इंचेस पे मार्क करना है, और यहाँ से भी हमें 7 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह का हमने सर्कल कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम पार्ट के लिए हमारी दूसरी लेयर हमने इस तरह के 2 पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ है 14 इंचेस और ब्रॉडनेस अप्रॉक्स 28 इंचेस। तो इसे हमें 2 फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ से हल्का सा क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, इस पार्ट को हमें कट करना है, और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट, तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब देखिए, प्लेन फैब्रिक को हमने इस तरह से रखा है, इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट इस तरह से रखना है, और हमें इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब इसमें हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हमें 5 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है, और इस तरफ से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क करना है, और यहाँ से भी मैं 5 इंचेस पे मार्क करूँगी। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे, और इस तरफ से भी हमें इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, इसे हमें राइट साइड पे रखना है, और इसके ऊपर हमें इस शेप को अरेंज करना है प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। हल्का सा फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे। तो सिलाई लगा के आपको यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है दोनों तरफ से।
देखिए हमने सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर राउंड शेप में हमने स्ट्रिप कट की है, उसे हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और इस पूरे शेप में हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी हमें सिलाई कर लेना है। देखिए हमने सिलाई कर ली है, अब यहाँ पे भी हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। और यहाँ पे हमें कवर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम इस पार्ट को भी बैक साइड पे टर्न करेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर से कवर सिलाई लगा दी है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच की गैप पे सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें 1 इंच की गैप पे सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने फिटिंग कर लिया है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमारे पहली लेयर है यहाँ पर हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें लूज स्टिच लगानी है। उसी तरह से जो हमारी दूसरी लेयर है बॉटम पार्ट की, उसमें भी हम गैदरिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें बड़े नंबरों की सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ से हमें एक धागे को अलग करना है और इसे हमें खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स में गैदरिंग तैयार करना है। देखिए इस तरह से हमने गैदरिंग तैयार कर ली है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच के गैप पे सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें 1 इंच के गैप पे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमने इस पार्ट में भी गैदरिंग तैयार कर ली है। अब जो हमारी दोनों लेयर्स है, देखिए इसकी ब्रॉडनेस हमने उतनी ही रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब ये जो हमारी दोनों लेयर है उन दोनों को हमें मिला के जॉइन कर लेना है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे दूसरी लेयर को और यहाँ पे ये जो हमारा पूरा सर्कल है उसमें हम सिलाई लगा के दोनों को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे पूरे पार्ट में हमें सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके साथ हम इस लेयर को अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है इस तरह से, यानी दोनों राइट साइड को हमें मिलाना है और हम इसे बैक साइड पे अच्छे से टर्न कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पिन कर लेना है। इस तरह से हमें पूरे सर्कल में पिन कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि दोनों टॉप और बॉटम जॉइन हो जाए। देखिए हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी जॉइनिंग है वहाँ पे हमें ऊपर से लेस को रखते हुए सिलाई करके यहाँ पे फिक्स कर लेना है। देखिए हमने लेस को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हम स्ट्रिप्स को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। ये है हमारा चेस्ट का पार्ट 14 इंचेस। तो सबसे पहले सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें 4 इंचेस पे इस तरफ मार्क करना है और इस तरफ भी हमें 4 इंचेस पे मार्क कर लेना है और उसी तरह का मार्क हमें बैक साइड भी कर लेना है। तो अप्रॉक्स मैंने 8 इंचेस का स्ट्रिप बनाया हुआ है प्लेन फैब्रिक से, जिसे हम यहाँ पे नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा के इसे फिक्स करेंगे।
इसी तरह से हमें बैक साइड में भी फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिप अटैच हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरा स्ट्रिप भी इस तरफ अटैच कर लेना है जहाँ पे हमने मार्किंग लगाई है। देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी कर सकते हैं और इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फ्लावर से इसे डेकोरेट करेंगे। तो आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फ्लावर को थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।